भाई मैंने तुम्हें सुना दिया एनिमेशन का हगने वाला किस्से, नरूटो को नर्फ करने वाले किस्से, सास्के को नबड़े बनाने वाले किस्से, और कुछ लेकिन मत बताइए भाई हमको। और क्या, मत और मत भाई, हमारे अरे लकी आज मुझे तुम्हें हाँ मिलते हैं हमारा हो गया आज। भाई। अरे यार तुम बिना, सबसे बड़ा दिक्कत बोरूटो का यही है कि उसके स्टोरी में इतने लूप होल्स है, इतने लूप होल्स है, तो स्टोरी लाइन ही हग्गू है। सबसे पहला मेन सब वजह कुछ हग्गू है भाई, हग्गू क्या नहीं है। अबे उस बेचारे को बोलने तो दे यहाँ पे कह रहा गुगु है वो, हमें भी पता है भाई यार। हम नरूटो फैंस को पसंद ना आने का मेन वजह तो पहले कि हमने पिछले वीडियो तो डिस्कस कर ली थी, नहीं देखा तो देख लो जाके, डिस्क्रिप्शन में दे रखा हमने, ठीक है। नहीं तो देंगे हम, क्या ढूंढो अपना आप। भाई नरूटो का स्टार्टिंग कैसे हुआ था कि नरूटो एक फेलियर था, उसके बाद भाई वो अब टीममेट्स मिल जाते हैं, फिर वो मिशन के लिए जाता है, ठीक है। बेस्ट चीज क्या है, वो सबसे बेसिक डी रैंक मिशन के लिए जाता है, लेकिन वो डी रैंक मिशन एक्चुअली में ए रैंक मिशन निकलता है, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा वही हुआ, बोरूटो में भी वही, वो सबसे बेसिक मिशन के लिए जाते हैं, लेकिन वो मिशन में बड़ा खतरनाक निकला। और दिक्कत ये कि हम सब लोगों ने नरूटो को फर्स्ट सीजन में सब कुछ देख रखा है, पूरा जो पावर लेवल प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चे से नबड़े से लेके जो प्रॉपर गॉड बन रहा है नरूटो शिपुडेन के एंड में। अब यही चीज वो जब दोबारा बोरूटो में दिखाएंगे, बोरूटो को बना के, तो भाई लोग लिटरली बोर तो होंगे, पहली बात तो यही, क्योंकि वो रेपिटेशन है प्रॉपर। तो चाहे तुम जितना हाँ भी थोड़ा बहुत छोटे मोटे वेरिएशन डालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड लोगों को सब कुछ पता ही है भाई क्या होना है ना, ठीक है। रेपिटेशन चलो दूसरे हो गया, उसको छोड़ो, लेकिन फिर दिक्कत आता है उसके स्टोरी के प्लॉट होल्स में। अब तुम पूछो कि क्या दिक्कत है, भाई सबसे पहले दिक्कत मैं बताता हूँ, अगर तुम लोगों ने एनीमे देखा हो, मून वाला बंदा याद है तुम्हें, मून वाला बंदा सुजुकी वाला जो हामुरा का डिसेंडेंट था, फाइनल डिसेंडेंट, तुनेरी तोनेरी, तोनेरी नाम तुनेरी है। तोनेरी ने क्या कहते हैं, बोरूटो को सपने में आके बोला था कि भाई मेरे को पता ही क्या हो रहा है, ये कर्स है ऐसे वगैरह करके, उसने बहुत सारे डायलॉग मारा था, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने लिटरली बोरूटो एक बार से ज्यादा नहीं देखा वही तो, लेकिन उसने डायलॉग मारा था। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, उसके बाद क्या होता है, उराशी की आता है, ठीक है, उराशी की आता है और तोनेरी को फ्रीज करके चले जाता है 1000 साल के लिए, ठीक है। हाँ और बेस्ट पार्ट ये नहीं है, बेस्ट पार्ट ये कि उराशी की मांगा में नहीं है, वो फिलर है। तो हाँ, तोनेरी का तो रोल क्या नेरी भी था फिलर है भाई, समझा वही, नहीं तो तोनेरी भी फिलर ही था टेक्निकली। तो मतलब जिस तरह से इन लोगों ने शेड। दिखाया था कि तोनेरी को पता है कि बोरूटो को जोगन क्यों मिला, वो भी एक्चुअली में झूठ था, उसका भी कोई लॉजिक नहीं था, मतलब क्योंकि अभी तक तो मांगा में ऐसे कुछ बताया नहीं है, ठीक है। हाँ एक एक लूपहोल यहाँ आ गया, ठीक है। तो गाइस अब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा खतरनाक लूपहोल, और अगर तुम सोचोगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट लूपहोल्स है पूरे बोरूटो में, ठीक है, प्रॉपर सबसे बड़ा लूपहोल है बोरूटो का। अब ओ अगर भाई तुम्हें तुम्हें वो बंदा याद है,